पिछली बार की चर्च के चटने के लिए आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। सबसे पहले इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब चटनी बना लिया तो उसके साथ चर्च तो बनती है ना? तो चलिए आज हम बनाएंगे दिल्ली के मशहूर स्ट्रीट फूड दही वड़ा, यानी दही बल्ला। नमस्कार दोस्तों, है बास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। दही वड़ा अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम और स्वाद से प्रसिद्ध है, पर आज हम हमारी रसोई से सीधा चांदनी चौक जाने वाले हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं। सबसे पहले एक कप उड़द दाल लेंगे और इसमें पानी डाल के कम से कम 5 घंटे के लिए भिगोएंगे। 5 घंटे के बाद उड़द दाल अच्छे से सोख चुका है और एकदम निखर चुका है। अब पानी को छान लेंगे, दाल को मिक्सर जार में डालेंगे और इसके साथ डालेंगे एक हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कम पानी इस्तेमाल करके इसे बहुत ही बारीक पीसेंगे। लीजिए, एकदम चिकना और प्लफी गोल तैयार है। इस उड़द दाल के गोल को एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब 1/4 कप मूंग दाल लेंगे, इसे हम 2 घंटे पहले ही भिगो के रखा था। ये अच्छे से भिगोया हुआ है। अब इस पानी को छान के मिक्सर जार में डालेंगे और इसे बारीक पीसेंगे। मूंग दाल डालने से दही बल्ला में एक अच्छा सा स्वाद आता है। इस मूंग दाल के गोल को उड़द दाल के गोल के साथ मिला देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब विस्कर की सहायता से लगभग 5 मिनट के लिए फेटेंगे। फेटना बहुत जरूरी है ताकि गोल में हम हवा भर पाए और गोल एकदम हल्का बने और दही बल्ले बिल्कुल नरम बन जाए। 5 मिनट के बाद गोल कुछ इस तरह होगा। अब एक गीले चम्मच से इस तरह गोल लेके गरम तेल में डालेंगे ताकि सारे बल्ले समान आकार में हो। आप चाहो तो हाथों से भी कर सकते हैं। इसे मध्यम आंच पे ही तलना है। इस तरह घुमाते हुए सारे तरफ एक समान रूप में तलेंगे। जब ये खस्ता और सुनहरा रंग में बदल जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। अब एक कटोरी में हल्का गर्म पानी लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हींग और इसे मिला देंगे। अब तले हुए वड़े को एक कटोरी में डालेंगे और अच्छे से डुबोएंगे और इसे 30 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और आकार में बड़ा हो जाए। अब दूसरी तरफ एक कटोरी में 2 कप ताज़ा और गाढ़ा दही लेंगे। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 कप पानी और इसे फेटते हुए मिला देंगे ताकि इसमें एक नरम टेक्सचर आ जाए। तीस मिनट के बाद आप देख सकते हैं वड़ा अच्छे से फूल चुका है। अब इसके पानी को हल्का सा निचोड़ के निकालेंगे, पूरा नहीं निचोड़ना है। अब एक एक करके वड़े को प्लेट में इस तरह रखेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हमारा मीठी दही। दही को ठंडा करके परोसेंगे तो और भी मजा आएगा। कम या ज्यादा आपके स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। इसे और चटपटा बनाएंगे इमली की चटनी के साथ और ऊपर से छिड़केंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और चुटकी भर चाट मसाला और इसे सजा देंगे बूंदी और हरा धनिया के साथ। ये रहा सॉफ्ट और यम्मी दही बल्ला बिल्कुल तैयार। गर्मी के मौसम तो आने ही वाला है, तो इस गर्मी में ठंडक देने वाला दही बल्ले को आप जरूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।